नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। थानागढ़ अंतर्गत केथा निवासी लाल बहादुर पटेल के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। गढ़ थाने में दर्ज एफआईआर क्रमांक 271 दिनांक 16 जुलाई 2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 324 और 506 में बताया गया कि फरियादिया चौरसिया पटेल पति कौशल पटेल निवासी ग्राम मदरी अपने मायके से अपने भाई लाल बहादुर पटेल पिता स्वर्गीय जमुना पटेल निवासी कैथा के घर उसके भाई के साथ साइकिल से आ रही थी। जैसे ही वो अपने मायके कैथा पहुंची तो लगभग दोपहर 12 बजे के आसपास कैथा निवासी श्रवण पटेल उर्फ लवकुश पटेल पिता राम खेलावन पटेल उसके भाई को धारदार हथियार सरिया और टांगे से हमला कर दिया, जिससे उसके सर में गहरी चोट आई और साथ में चौरसिया पटेल को भी सरिये से मारा। मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और बोला कि इस बार तो बच गए हो, अगली बार जान से मार देंगे। थाना पहुंचते ही घाव काफी गंभीर किस्म का होने के कारण लाल बहादुर पटेल को गंगेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर कर दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर मिश्रा ने मामला गंभीर देखते हुए रीवा में संजय गांधी अस्पताल को रेफर कर दिया। अभी लाल बहादुर का इलाज संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में चल रहा।